कैसा महसूस हो रहा है? हल्का। तो सचिन जो है यहाँ पे अपनी गंजी करवा रहे हैं, बाल धो रहे हैं। रीज़न ये है कि उनके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है, उन्हें डॉक्टर को दिखाना है इस वजह से। और साथ ही साथ में मैंने विनी की भी गंजी करवा दी। और ये वीडियो मैंने, ये क्लिप जो है गंजी होने वाला, ये मैंने मंडे को शूट किया था। तो विनी के बालों की ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने उसकी गंजी करवाई। उसका मुंडन एक बार हो चुका है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और सुबह हो गई है, मैं थोड़ा लेट उठी हूँ, सचिन पहले उठ गए। तो जब मैंने बाहर जाके देखा तो वो एलोवेरा का जो प्लांट है वो सूख गया था, तो उसकी वो मिट्टी को सही कर रहे हैं ताकि वो प्लांट फिर से हरा भरा हो जाए और मैं भी कुछ काम कर। तो सचिन जो है वो अभी मिल्क लेने के लिए गए हैं, बिकॉज़ रात में मिल्क जो है वो ख़त्म हो गया था, बचा नहीं था, तो अभी उनको कॉफ़ी पीनी है। और जस्ट अभी मैंने थोड़ा बर्तन वर्तन सॉरी साफ करके यहाँ पे रखे हुए हैं, तो वो मिल्क लेके आ जाएं, उसके बाद कॉफ़ी बनाएंगे, थोड़ा कुछ खा पी लूँगी, उसके बाद ही मैं काम कर पाऊंगी। बिना खाए पिए मुझसे काम, एक तो काम नहीं होता, दूसरी बात ना सुबह सुबह के टाइम पे मुझे बहुत भूख लगती है, और वो उस भूख में ज़्यादा कुछ नहीं, बस या तो चाय मिल जाए या फिर कॉफ़ी मिल जाए, वो काफ़ी है, तो बस उतना सा मिल जाए, उसके बाद मैं यूँ फटाफट यूँ सारा काम कर लूँगी। तो सचिन अभी गए हैं मिल्क लेने के लिए, वो आ जाए। और अभी मैंने क्या किया है, कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे गंदे, बिकॉज अभी मैं 2 दिन पहले ही चेन्नई आई हूँ, तो अब ये व्लॉग मैं चेन्नई से शूट कर रही हूँ, तो मैंने आज कपड़े भी लगाए हैं सारे साफ होने के लिए, तो वो भी साफ हो रहे हैं, धुल रहे हैं मशीन में। तो मैं वेट कर रही हूँ, यहीं पास में ही शॉप है, तो आने वाले हैं वो दूध लेके। बेसन वाली नमकीन है ये, और दूध 3 थैली दूध आया है। और मैं आपको दिखा देती हूँ एक और चीज़ कि ये है आविन का मिल्क, और यहाँ पे मोस्टली जो ये एक्चुअली तमिलनाडु का ब्रांड है, और यहाँ पे अमूल का जो दूध है वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। मतलब जो तमिलनाडु का ब्रांड है, जैसे ये आविन हुआ और एक ग्रीन मैजिक करके भी है, वो भी आता है, तो वही सब यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। अभी तक मुझे यहाँ पे 3 साल होने वाले हैं, अभी तक मैंने यहाँ से अमूल के दूध की एक थैली भी नहीं ली है, तो यही दूध हम लेते हैं। ये फुल क्रीम ये लाए हैं, कभी कभी टोन भी ले लेते हैं, कभी कभी फुल क्रीम ले लेते हैं, तो जो मिल जाता है वो ले लेते हैं। और ये आविन जो है, ये जो मिल्क है ये भी काफ़ी अच्छा है, मतलब अमूल का ठीक है, पर जो अभी मिल रहा है उसमें ही हम लोग काम चला रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है तो यही सही, बट ये भी मिल जो है ये भी काफी अच्छा है। सचिन जो है वो यहाँ पे कप से चाय पी रहे हैं, मैं जो हूँ वो यहाँ पे ग्लास से चाय पी रही हूँ। ग्लास से चाय पीने का ये रीजन है, सॉरी कॉफी, कि मुझे ना गरम गरम चाय और गरम गरम कॉफी पसंद है, इसलिए मैं ग्लास में ही पी रही हूँ, उसको एकदम ठंडा करके पीने की आदत है।
तो अभी मैं जो है नहा ली हूँ और मैंने विनी को भी नहला दिया है, और सचिन अभी नहीं नहाए हैं, वो टीवी पर न्यूज़ देख रहे हैं, तो वो उनकी मर्जी को जब नहाए। तो अभी बज चुके हैं 12, अब मैं जा रही हूँ लंच की तैयारी करने के लिए। तो आज मैं लंच में कुछ खास नहीं, आलू शिमला मिर्च बना रही हूँ, धनिया पुदीने की चटनी और रोटी। तो अभी लंच की तैयारी कर लेते हैं। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? ये चाहिए, ये इसमें भी ना, तो इसमें भी ना, धो जाओ। लो, पापा से, पापा के पास बॉटल है, उससे ले लेना पानी, ठीक है? जाओ, पापा इसको पानी दे दो, सिपर लेके आ रही है। सुबह मैंने जो दूध गर्म किया हुआ था वो भी अभी यहीं पे रखा हुआ है, आप ये देख सकते हो। तो अभी ये रूम टेम्परेचर पे नहीं आया, जब ये रूम टेम्परेचर पे आएगा, आ जाएगा, मैं इसको कुछ हिलाऊंगी विलाऊंगी नहीं, उसके बाद एज इट इज मैं इसे उठा के फ्रिज में रख दूंगी, तो जिससे इसकी ये जो मलाई है ना, तो वो थोड़ा अच्छी हो जाएगी, अच्छे से निकल के आएगी। तो वो मलाई बेबी का इकट्ठा करके फिर उसी का मैं घी निकाल लेती हूँ, घी भी अच्छा निकल आता है। तो अभी इसको रूम टेम्परेचर पे आ जाने देते हैं। और दूसरी साइड वो सब्जी बनी रही है, आप देख सकते हो, आलू मैंने काट लिए हैं। तो चलो फटाफट सब्जी बना देते हैं, उसके बाद मुझे आटा भी लगाना है, रोटी भी बनानी है, बहुत काम है। तो सब्जी हमारी अभी पक रही है, तब तक मैं ये बर्तन लगा देती हूँ, उसके बाद मुझे आटा भी लगाना है, तो थोड़ी जगह कर दूँ मैं। तो सब्जी जो है वो ऑलमोस्ट पक गई है, अब मैं उसमें एक टमाटर डाल रही हूँ, प्याज नहीं डाला है बट टमाटर अच्छा लगता है तो ऊपर से टमाटर डाल देती हूँ, उसके बाद धनिया से थोड़ा मैं गार्निशिंग कर दूंगी, और आटा भी मैंने लगा लिया है, चटनी रह गई है। तो तब तक ये टमाटर जब तक पकेंगे तो मैं फटाफट धनिया पुदीना साफ करके फिर मैं चटनी भी बना दूंगी। सुबह सुबह के टाइम से लंच बनाने तक बहुत काम हो जाता है, मतलब 12, 1, 2 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और जब सचिन घर पे हो तो
सुन तो नहीं रहे। सचिन घर पे होते हैं तो मेरा टाइम थोड़ा और मेरा शेड्यूल थोड़ा और बिजी हो जाता है। तो दोस्तों एक घंटे की लगातार मेहनत के बाद मेरा जो लंच है वो रेडी हो गया है और आप देख सकते हो सब्जी है, चटनी है, रोटी है, अचार है, अनियन है। तो लंच इज रेडी और अब हम अपना लंच कर लेते हैं। आप लोग भी अपना अपना लंच डिनर जो भी करें इस टाइम पे जब मेरा ये वीडियो देखें वो कर लीजिए। और ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगे प्लीज जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। और पीछे जरा देखिए दो गंजे बाबा घूम रहे हैं। ये देखिए विनी कैसी हो विनी, आपने खाना खाया? हाँ जी खाना खाया विनी ने। एक सेकंड, विनी ने खाना खाया? क्या खाया विनी ने? दोस्तों आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हम अपना लंच कर लेते हैं और व्लॉग कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।